आपके सामने एक साबिक वजीरे खारजा और साबिक वजीरे आजम को जिस तरह जेल में बंद रखा गया है, इमरान खान साहब की इस साइफर केस में 15 अगस्त को गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी डाली गई, तो उसके बाद जज साहब एक हफ्ता छुट्टी पर हैं। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे FIA के वकला की तरफ से ये कहा गया कि मंडे तक ये मामला अर्जेंट किया जाए, हमारी तैयारी नहीं है। आज जो है वो जज साहब एक हफ्ता छुट्टी पर चले गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारा जो तोशाखाना केस था, जिस तरह उसको जल्दी और उजलत में चलाया गया, हमें गवाहान का मौका ना दिया गया और लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे हमें आर्गूमेंट्स हमारे ना सुने गए और फैसला दे दिया गया और गैर कानूनी फैसले में इमरान खान साहब को जेल में बंद कर दिया गया, उसी केस की अपील में हाई कोर्ट में हमें ना सुना गया। कभी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला जो है वो उनकी तैयारी नहीं है, कभी कहा गया कि वो उनके पास केस का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वही पुराने हरबे, वही पुरानी प्रैक्टिस जो छोटी कचहरियों में की जाती है, वही हाई कोर्ट में की जाती है, वही आके इधर जो स्पेशल अदालत बनाई गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसी में वो पुरानी प्रैक्टिस को दोबारा दोहराया जा रहा है। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक दिन भी मजीद जेल में क्यों बंद रखा जाए, उनका इस केस में, इस बेल एप्लीकेशन में फौरी इंसाफ होना चाहिए और फैसला होना चाहिए।